हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से आप यहां पर काइट मोबाइल एप्लीकेशन में, जो कि जिरोधा का मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें अगर आप वॉच लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि काइट मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ये दिया हुआ है काइट मोबाइल एप्लीकेशन, इसको मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, आपको देख सकते हैं कि सबसे पहले ही आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है आपका वॉच लिस्ट का, दूसरा ऑर्डर का, फिर पोर्टफोलियो का, फिर बिट्स का, फिर आपका प्रोफाइल का ऑप्शन है। तो पहला वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि आपके बाय डिफॉल्ट बहुत सारी वॉच लिस्ट बनी होती हैं। इन्हीं वॉच लिस्ट को हम लोग एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दिया हुआ है वॉच लिस्ट 2, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और होल्ड करूंगा। क्लिक और होल्ड कर दिया तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो वॉच लिस्ट का नाम है उसको आप एडिट कर सकते हैं। इस पर आप मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसका नाम लग देता हूं। अब मुझे जैसे कि फॉर एग्जांपल एआई स्टॉक्स का वॉच लिस्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, एआई स्टॉक्स यहां पर मैं फिल कर देता हूं, एआई स्टॉक्स। ठीक है, मैंने यहां पर सेव कर देता हूं। अब दोस्तों इसके एआई स्टॉक्स की जो वॉच लिस्ट है वो बन चुकी है। अब यहां पर बहुत सारे स्टॉक्स दिए हुए हैं जो कि इररिलेवेंट है। ठीक है, मुझे ये वाले स्टॉक्स नहीं चाहिए, इनको मैं डिलीट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस पर मैं क्लिक और होल्ड करूंगा। मतलब आपको किसी भी स्टॉक्स पर क्लिक और होल्ड करना है तो इस तरीके से एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं ये क्या करूंगा, ये डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब डिलीट करने के बाद दोस्तों अब मैं यहां पर इसको सेव कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे एआई स्टॉक्स में यहां पर जो वॉच लिस्ट है इसमें कोई भी स्टॉक्स नहीं है। तो मैं एआई के जो स्टॉक्स हैं उनको मैंने सर्च करके रखा हुआ है, यहां पर मैं ऐड कर लेता हूं। तो मैंने यहां पर क्या किया, सर्च एंड एड्स पर मैं क्लिक कर देता हूं। यहां पर मैंने क्लिक किया, पहला मैं ऐड कर लेता हूं टाटा ELXI। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर सामने प्लस का ऑप्शन दिया हुआ, तो मैं प्लस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर टिक का ऑप्शन बन के आ चुका है, बैक हो जाता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर टाटा ELXI यहाँ पर जुड़ चुका है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ हैप्पीएस्ट माइंड, तो हैप्पी देख सकते हैं कि ये आ गया हैप्पीएस्ट माइंड। तो मैं यहाँ पर NSE या BSE जो भी ऐड करना हो उसको आप ऐड कर सकते हैं। मैं NSE को ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं प्लस पर मैं क्लिक करूंगा, तो देख सकते हैं कि ये भी ऐड हो चुका है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर और भी ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि साइएंट लिमिटेड है, CYIENT। ठीक है, तो ये आ गया, तो मैं NSE को इसको भी ऐड कर लिया। अब मैं ऊपर क्लियर कर देता हूँ, अब नेक्स्ट कर लेता हूँ सैक सॉफ्ट, तो ये मैं इसको भी NSE का ऐड कर लेता हूँ। और फिर आपका हो गया जेनसार टेक्नोलॉजी, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर जेनसार टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पर SEL टेक्नोलॉजी को भी मैं ऐड कर लेता हूँ, तो SEL टेक, तो ये देख सकते हैं SEL टेक्नोलॉजी भी आ चुका है। अब मैं यहाँ पर बैक हो जाता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने टाटा ELXI, हैप्पीएस्ट माइंड, साइएंट और सैक सॉफ्ट और जेनसार टेक्नोलॉजी और SEL टेक यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ऐड कर रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि वॉच लिस्ट को किस तरीके से यहाँ पर आपको एडिट करना है, उसमें किस तरीके से आप यहाँ पर स्टॉक्स को ऐड करना चाहते हैं तो स्टॉक्स को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो वॉच लिस्ट 2 है इसको मैंने नाम एडिट कर रखा था, लेकिन मैंने इसको सेव नहीं किया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नाम क्या दिया था, IT स्टॉक्स, और मैंने क्या किया था, बैक कर दिया था। ऊपर आपको सेव का ऑप्शन दिया, तो सेव पर आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आप IT स्टॉक्स लिख के आने लग गया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर सारे के सारे IT स्टॉक्स को ऐड कर दिया है। अगर आपको फ्यूचर में इनको डिलीट करना है किसी को भी, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर कहीं पर भी आप क्लिक और होल्ड कीजिएगा, अपनी फिंगर को रख के थोड़ी देर रखे रहिएगा, तो क्लिक और होल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मुझे ये साइएंट है या सैक सॉफ्ट है इसको डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सामने डिलीट का ऑप्शन दिया उस पर मैं क्लिक कर दूँगा, तो देख सकते हैं कि वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगर करना है कि जैसे साइएंट है इसको सबसे ऊपर रखना है, तो देख सकते हैं कि सबसे लेफ्ट में यहाँ पर 8 पॉइंट बने हुए हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। मैंने सबसे ऊपर रख दिया, देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आ चुका है। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी अरेंज करना चाहते हैं उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर ऊपर आपको सेव का ऑप्शन दिया, सेव पर आपको क्लिक कर देना है, तो इस तरीके से बन जाएगा। अगर आपको फ्यूचर में और भी यहाँ पर स्टॉक्स को ऐड करना है तो यहाँ पर स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं और भी ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं TCS का ऐड कर लेता हूँ, ये TCS मैंने डाला और यहाँ पर आ चुका है, इसको मैं प्लस पर क्लिक कर देता हूँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर TCS भी ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं अपना वॉच लिस्ट। ठीक है, ये IT स्टॉक्स नहीं है बल्कि AI स्टॉक्स हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AI। ठीक है, AI और ऊपर सेव पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये क्या AI स्टॉक्स का मेरा जो वॉच लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर काइट मोबाइल एप्लीकेशन में वॉच लिस्ट को बना सकते हैं। कोई भी शेयर्स को ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, या फिर इनका जो क्रम है वो ऊपर नीचे करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पर अपना वॉच लिस्ट बना सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। थैंक यू।